तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आप सबके साथ हैं। अगर सड़क पर घूमा जा सकता है, खेला जा सकता है, स्केट चलाया जा सकता है, नाचा जा सकता है, झूमा जा सकता है, गाया भी जा सकता है, हर एक काम किया जा सकता है, तो सड़क पर पड़ा क्यों नहीं जा सकता। तो आज यही आप देख रहे हैं कि विराट जी और उनके पिताश्री यहाँ सड़क पर पड़ रहे हैं और विराट जी को समझ रहे हैं, शायद समझ रहे हैं। तो हर एक कार्य जो है वो संभव है अगर आपके अंदर अच्छी विल पावर है। तो उसी के साथ हम हर एक कार्य को संभव कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो है उसकी मेंटेलिटी। तो अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो आप वो कार्य ज़रूर कर पाएंगे। जैसे कि आज विराट जी और उनके पिताजी आपको दिखा रहे हैं कि रोड पर भी पढ़ा जा सकता है और उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा जा सकता है जो आप घरों में, स्कूल में या कोचिंग में पढ़ते हैं। तो वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इनका आपको दिख रहा होगा, उसी तरीके से ये पूछ रहे हैं, इनके पिताजी इन्हें बता रहे हैं। तो आप भी ये सब कार्य कर सकते हैं और शर्म आने की इसमें कोई बात नहीं है। शर्म, आप सोचते होंगे कि शर्म, तो शर्म जो एक वर्ड है वो अपनी लाइफ से हटा दीजिए। अगर आप शर्म वर्ड जो है अपनी लाइफ में रखकर काम करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब जिस इंसान ने भी शर्म वर्ड को साइड में रखकर आगे काम करा है वही आज इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों पे पहुंच पाए हैं। तो आपको भी यही कार्य करना है, शर्म को साइड में रखें, तभी आप कुछ आगे बड़ा कर पाएंगे और अपने देश का, अपने माता पिता का और अपना खुद का, अपने परिवार का भी नाम रोशन कर पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।